यशायाह का पुस्तक 26वें अध्याय उसका 3 और 4 को हम पहले पढ़ेंगे। यशायाह 26 का 3 और यशायाह 26 का 3 और 4 यशायाह 26:3-4। जिसका मन तुझ में धीरज धरे हुए है उसकी तू पूर्ण शांति के साथ रक्षा करता है, क्योंकि वह तुझ पर भरोसा रखता है। यहोवा पर सदा भरोसा रख, क्योंकि प्रभु यहोवा सनातन चट्टान है। ओके, यहोवा पर सदा भरोसा रख, क्योंकि प्रभु यहोवा सनातन चट्टान है। मैं कुछ वचनों का अंग्रेजी में भी पढ़ूंगा। सो ट्रस्ट इन द लॉर्ड, एम्प्लीफाइड वर्जन में ब्रैकेट में लिखा है, कमिट यूर सेल्फ टू हिम, लीन ऑन हिम, होप कॉन्फिडेंटली इन हिम फॉर एवर, फॉर द लॉर्ड गॉड इज एन एवरलास्टिंग रॉक, इन ब्रैकेट द रॉक ऑफ एजेस, द रॉक ऑफ एजेस, एवरलास्टिंग रॉक, द रॉक ऑफ एजेस। हर युग में, हर समय में याहवे यहोवा परमेश्वर चट्टान है, सनातन चट्टान है। इन ऑल द एजेस, हर युग में, आप 20वीं शताब्दी में जिए, 21वीं शताब्दी में जिए, किसी भी शताब्दी में, किसी भी युग में आप जिए, बाइबल कहते हैं गॉड इज द एवरलास्टिंग रॉक ऑफ द एजेस। हर युग में परमेश्वर सनातन चट्टान है, इसलिए ट्रस्ट इन द लॉर्ड, यहोवा पर भरोसा रखो, यहोवा पर सदा भरोसा रखो। ट्रस्ट इन द लॉर्ड फॉरएवर, फॉरएवर। सब लोग बोलिए, यहोवा पर सदा भरोसा रखना है। हालेलुया। इंग्लिश में थोड़ा चलेगा, कमिट यूर सेल्फ टू हिम, लीन ऑन हिम, होप कॉन्फिडेंटली ऑन हिम। पूरा आत्मविश्वास के साथ परमेश्वर के ऊपर आशा रखो, अपने आप को प्रभु की, परमेश्वर यहोवा के हाथों में समर्पित करो। लीन ऑन हिम, लीन ऑन हिम माने उसकी ओर, उसकी ओर झुकना, उसकी ओर, चायगा अर्थ, लीन अवल चायगा चारिगा, हाउ टू से, ओके, या सहारा लेना, सहारा लेना उसकी और, उसकी, लीन टू हिम, परमेश्वर की ओर आप, आपको आपकी सहारा परमेश्वर के ऊपर रखना है। एक व्यक्ति जब ज्यादा दुखी होता है, ज्यादा टूट जाते हैं, सम आउट ऑफ कंट्रोल, संभाल नहीं पाते, उस समय हम क्या करते, उसको हमारे तरफ, हम उसको गले से लगाकर थोड़ा समय उसको हम ऐसे रखेगा तो क्या हो जाएंगे, वो शांत हो जाएंगे, राइट। कोई भी बड़ा आदमी हो, छोटा आदमी हो, तो भी जब वो टूट जाता है उस समय, अगर उसके लिए सहारा मिलता है, टू लीन ऑन समबडी, नो किसी की ओर झुकने के लिए, किसी की ओर, नो थोड़ा समय सहारा के लिए अगर हम उसको अपने अपने और गले से लगाते हैं, तो हमारे सीने में अपना सिर रखने के लिए अगर हम थोड़ा समय देते हैं, तो वो थोड़ा शांत हो जाता है। इन अनदर वे, परमेश्वर की ओर, परमेश्वर की ओर आपको भरोसा रखना है। इंसान, इंसान के ऊपर हर समय आप भरोसा नहीं रख सकता। आपको लगता होगा शायद वो मेरा सहारा है, वो सिर्फ लगने की बात है। भजन सिंह वाला कहते हैं, मनुष्य के ऊपर भरोसा रखने से अच्छा है यहोवा के ऊपर भरोसा रखना। इस दुनिया की प्रभुओं की
अधिपतियों के ऊपर भरोसा रखने से अच्छा है परमेश्वर के ऊपर, यहोवा के ऊपर भरोसा रखना। कुछ लोग घोड़े के ऊपर, कुछ लोग रथों के ऊपर भरोसा रखता है, लेकिन हम हमारा परमेश्वर सेनाओं का यहोवा के ऊपर भरोसा रखता है। कुछ लोग धन के ऊपर, कुछ लोग ज्ञान के ऊपर, कुछ लोग बल के ऊपर भरोसा करते हैं, लेकिन हम याहवे यहोवा परमेश्वर के ऊपर भरोसा करते हैं। हालेलुया। इसलिए यिर्मयाह कहते हैं ज्ञान ज्ञानी ज्ञानी व्यक्ति आप अपने ज्ञान के ऊपर घमंड मत करो, है बलवान अपने बल के ऊपर घमंड मत कर, हालेलुया, है धनवान अपने धन के ऊपर घमंड मत कर, हालेलुया, आप परमेश्वर की ओर परमेश्वर के ऊपर भरोसा रखा, क्योंकि ये सब कुछ हमें छोड़कर जा सकता है, ये सब कुछ आपको धोखा दे सकता है, ये सारे भरोसा टूट सकता है। इंसान मेडिसिन के ऊपर भरोसा रखा, मेडिसिन के ऊपर की भरोसा आजकल टूट रहा है, पैसा के ऊपर भरोसा रखा, वो भरोसा टूट रहा है, हालेलुया। कई लोगों के ऊपर भरोसा रखा, वो भरोसा टूट रहा है। इंसान की ट्रस्ट, इंसान की भरोसा, हालेलुया, कई जहां पर अपने सिक्योरिटी के लिए, अपने चंगाई के लिए, अपने शांति के लिए कई बातों पर भरोसे रखा, लेकिन हालेलुया दुनिया में आप देख सकते हैं मनुष्य की हर प्रकार की भरोसा, उनकी सुरक्षा का भरोसा टूट रहा है। बाइबल कहते हैं ट्रस्ट इन द लॉर्ड फॉर एवर, हालेलुया, एंड ही इज द रॉक ऑफ एजेस, हालेलुया, रॉक ऑफ एजेस, एवरलास्टिंग रॉक, हालेलुया, सनातन का चट्टान है, कभी ना बदलने वाला, हर युग में, हर मौसम में, हर परिस्थिति में, हालेलुया, कभी ना बदलने वाला एक चट्टान है, ओ याहवे यहोवा यीशु मसीहा है, हालेलुया। इसलिए हमेशा परमेश्वर के ऊपर भरोसा रख, हालेलुया। तीसरे आयत में लिखा है ही यू विल गार्ड हिम एंड कीप हिम इन परफेक्ट एंड कॉन्स्टेंट पीस हुज माइंड इज स्टेड ऑन यू बिकॉज ही कमिट्स हिमसेल्फ टू यू लीन्स ऑन यू होप्स कॉन्फिडेंटली ऑन यू। जिसका मन तुझ में धीरज धरे हुए है उसकी तू पूर्ण शांति के साथ रक्षा करता है, क्योंकि वो तुझ पर भरोसा करता है, क्योंकि वो तुझ पर भरोसा करता है। परमेश्वर के ऊपर भरोसा करने वालों के लिए बाइबल कहते हैं उसकी तू पूर्ण शांति के साथ रक्षा करता है, हालेलुया। गॉड विल गार्ड यू, गॉड विल कीप यू इन परफेक्ट एंड कॉन्स्टेंट पीस, पूर्ण शांति, कॉन्स्टेंट, लगातार, हमेशा, कंटिन्यूली, लगातार, हर समय, हालेलुया, हर समय पूर्ण शांति, ऑल द टाइम, ऑल काइंड्स ऑफ पीस, हालेलुया, हर समय हर प्रकार की शांति, हर समय हर प्रकार की शांति से परमेश्वर हमें संभालता है। दूसरे कुरिन्थियों के पत्र पहला अध्याय में मैं पिछले दिनों में प्रचार किया, हले जो यूट्यूब लाइव में आया आपको याद होगा, वहां पे पौलुस कहते हैं हर समय हर प्रकार की शांति परमेश्वर हमको देता है, ऑल काइंड्स ऑफ पीस, हर प्रकार का शांति, हर ट्रबल्स में, हर मुश्किल में, हर मुसीबत में, हर प्रकार का शांति परमेश्वर हमको देता है, हालेलुया, क्योंकि हम परमेश्वर के ऊपर भरोसा करता है। परमेश्वर के ऊपर भरोसा करने वालों को हालेलुया पूर्ण शांति मिलेगा, हर प्रकार की शांति मिलेगा। सब लोग बोलिए पूर्ण शांति और हर प्रकार की शांति, हालेलुया, आमेन। पूर्ण शांति और हर प्रकार का शांति उनको मिलता है जो परमेश्वर के ऊपर अपना भरोसा रखता है, जो परमेश्वर के ऊपर अपना भरोसा रखता है, हालेलुया, इन जीसस नेम। दो तीन कुछ भजनों को मैं जल्दी पढ़ूंगा, उसके बाद में हालेलुया एक इस वजन से जुड़ा हुआ कुछ और बातों में हम जाएंगे, हालेलुया। जल्दी से कुछ भजनों को हम पढ़ेंगे, भजन संहिता
62 का 8 पढ़ेंगे, भजन संहिता 62 का 8, 62 का 8। इस प्रकार मैं सर्वदा तेरे नाम का भजन गा गा कर अपनी मन्नतें हर दिन पूरी किया करूंगा। 62 का 8 है। ओके, 62 का 8। हे लोगों, हर समय उस पर भरोसा रखो, उससे अपने अपने मन की बातें खोलकर कहो। परमेश्वर हमारा शरण स्थान है। फिर से पढ़ना। हे लोगो, हर समय उस पर भरोसा रखो, हर समय उस पर भरोसा रखो, उससे अपने अपने मन की बातें खोलकर कहो। उससे अपने अपने मन की बातें, हालेलुया, उससे अपने अपने मन की बातें खोलकर कहो, और वो आपका शरण स्थान है। ट्रस्ट इन, लीन ऑन, वहां पे सब वो शब्द आते हैं, लीन ऑन, ट्रस्ट इन, रिलाई ऑन एंड हैव कॉन्फिडेंस इन हिम एट ऑल टाइम्स। हर समय आपकी आत्मविश्वास, आपका भरोसा, आपका विश्वास, हालेलुया, आमेन, किसके ऊपर होना चाहिए? टू लीन उनकी ओर, उस परमेश्वर के ऊपर हर समय भरोसा रखना है। पोर आउट योर हार्ट्स बिफोर हिम, अपना दिल खोल कर, अपने अपने दिल को उनके सामने खोल दो, अपने दिल को खोल दो, पूरी तरीके से अपने हृदय को खोल दो उनके सामने। उसके सामने कुछ भी छुपा कर मत रखना। ओपन योर हार्ट बिफोर हिम, पोर आउट योर हार्ट बिफोर हिम, पोर आउट, हालेलुया, अपने हृदय की सारी बातें उनके सामने खोल कर बताओ। आमेन। ओ हमारा शरण स्थान है, ओ हमारा भरोसा है, ओ हमारा सनातन चट्टान है। हालेलुया, हालेलुया, आमेन। आज मुझे सुनने वाला प्रिय लोगों, हालेलुया, आप इसी समय अपने हृदय को खोल दे। पोर आउट योर हार्ट बिफोर हिम, अपने हृदय को उनके सामने खोल दे, सब कुछ उसको बता सकता है। रिलाई ऑन हिम, lean to him, lean to him, lean to him, hallelujah, uski or, I'm not getting that word, lean, someone can find out in, jhuk jana, sahara lena, hallelujah, thank you Jesus, thank you Jesus, thank you Jesus, थैंक यू जीसस, हालेलुया। एक छोटा बच्चा है तो वो बच्चा हर समय मम्मी का या पापा का गोदी में बैठना पसंद करता है, हर समय माँ बाप की नो सीने पर सिर लगाकर बैठना चाहते, अपने आप वो उनकी तरफ, हाँ हाँ, उसको हिंदी नहीं मिल रहा मुझे, ओके, पूरी हमेशा उनकी तरफ नो उसकी सहारा में बैठना पसंद करते। इसी प्रकार हर समय परमेश्वर की ओर, परमेश्वर की ओर, हालेलुया, आपकी भरोसा रखना है, परमेश्वर के ऊपर आपकी भरोसा रखना है हर समय, हालेलुया, ऑल द टाइम। भजन संहिता 112 का 7 पढ़ेंगे। वह बुरे समाचार से नहीं डरता, उसका हृदय यहोवा पर भरोसा रखने से स्थिर रहता है। उसका हृदय यहोवा पर भरोसा रखने से स्थिर रहता है, वो बुरे समाचार से नहीं डरता, बुरे समाचार से वो नहीं डरता, क्योंकि उनका हृदय हमेशा यहोवा पर भरोसा रखा हुआ है। मैं जल्दी जल्दी जाता हूं क्योंकि मुझे कुछ इससे जुड़ा हुआ कुछ एक संदेश जो हम मेरे अंदर है वो मुझे बोलना है आपसे। 20 का 7 पढ़ेंगे, भजन संहिता 20:7। ऑलरेडी मैंने बोल चुका है, हो किसी को रथों का और किसी को घोड़ों का भरोसा है, परंतु हम तो अपने परमेश्वर यहोवा ही का नाम लेंगे। आमेन। तो दुनिया में कुछ लोगों का भरोसा अपना पैसा के ऊपर है, कुछ लोगों की भरोसा उनकी प्रॉपर्टी के ऊपर है, नौकरी के ऊपर है, बैंक बैलेंस के ऊपर है, अपनी क्षमता के ऊपर है, ज्ञान के ऊपर है, पढ़ाई के ऊपर है, डिग्री के ऊपर है, अलग अलग बातों पर लोग भरोसा करते हैं।
लेकिन भजन सिंह लिखने वाले कहते हैं, लेकिन हम तो किसके ऊपर भरोसा करेंगे? यहोवा के ऊपर भरोसा करेंगे। हालेलुया, यहोवा में हम आनंदित होता है, यहोवा में हम हालेलुया खुश रहता है, हमारा भरोसा पूरा यहोवा के ऊपर है, परमेश्वर के ऊपर है। हालेलुया, इन जीसस नेम, इन जीसस। इन वचनों को आप नोट डाउन करना, इस वचनों को लास्ट में हम लोग कन्फेस करेंगे। आमीन। भजन सिंह 56 का 56 का 3 और 4 पढ़ेंगे, 3 और 4, 56 का 3 और 4। जिस समय मुझे डर लगेगा मैं तुझ पर भरोसा रखूंगा परमेश्वर की सहायता से मैं उसके वचन की प्रशंसा करूंगा परमेश्वर पर मैंने भरोसा रखा है मैं नहीं डरूंगा कोई प्राणी मेरा क्या कर सकता है। हालेलुया, जिस समय मुझे डर लगेगा उस समय मैं क्या करूंगा? परमेश्वर के ऊपर भरोसा करूंगा और मैं परमेश्वर की वचन पर प्रशंसा करूंगा। हालेलुया, और मैं परमेश्वर के ऊपर भरोसा करता, इसलिए मैं नहीं डरूंगा, कोई प्राणी मेरा क्या कर सकता है। हालेलुया, आमेन, हालेलुया। भजन सिंह 125 का 1 और 2 पढ़ेंगे, भजन सिंह 125 का 1 और 2। जो यहोवा पर भरोसा रखते हैं वे सियोन पर्वत के समान है जो टलता नहीं वरन सदा बना रहता है। जो यहोवा पर भरोसा करता है वो सियोन की पहाड़ के समान है, वो टलता नहीं लेकिन सदा बना रहता है। जिस प्रकार यरूशलेम के चारों ओर पहाड़ है उसी प्रकार यहोवा अपने प्रजा के चारों ओर अब से लेकर सर्वदा तक बना रहेगा। हालेलुया, यरूशलेम को जैसे पहाड़ घेरा हुआ है, इसी प्रकार यहोवा अपने लोगों की चारों ओर हमेशा, अब से लेकर हमेशा बना रहेगा। हालेलुया, ये किसकी विषय में है? जो यहोवा के ऊपर भरोसा करता है उनको क्या लगता है? हालेलुया, यहोवा के ऊपर भरोसा रखने वालों को क्या लगता है? वो सियोन की पहाड़ के समान है, कभी ढलने वाला नहीं होगा। उनको क्या लगता है कि यहां देखेगा तो परमेश्वर, जहां कहीं भी देखेगा चारों ओर किसको दिखेगा? परमेश्वर को दिखता है। हालेलुया, यरूशलेम में खड़े होकर आप यहां देखेगा तो पहाड़ दिखेगा, चारों ओर पहाड़ दिखता है। इसी प्रकार आपको भी हमेशा हर जगह हर समय परमेश्वर दिखेगा, क्योंकि आपका भरोसा परमेश्वर के ऊपर है। हालेलुया, परमेश्वर आपको घेर लिया है, परमेश्वर आपकी चारों ओर बना रहता है। हालेलुया, क्योंकि आपकी भरोसा परमेश्वर के ऊपर है, परमेश्वर हमारा सनातन की चट्टान है। हालेलुया, हालेलुया। सनातन की चट्टान का मतलब क्या है पता है? अब्राहम के समय पर भी ये यहोवा उनकी चट्टान था, याकूब के समय पर भी वो चट्टान वहां पर था, यूसुफ के समय पर भी वो चट्टान वहां पर था, मूसा के समय पर भी वो चट्टान उसके साथ साथ चलता था। मूसा के समय के बारे में लिखा है वो चट्टान उसके साथ साथ चलता था। हालेलुया, ओ पौलुस के समय पर भी ओ यहोवा चट्टान था, ओ हालेलुया पत्रस के समय पर भी यीशु मसीह चट्टान था। ऐसा है तो कभी ना बदलने वाला वो परमेश्वर आपका भी चट्टान है, क्योंकि वो सनातन की चट्टान है। ही इज द रॉक ऑफ एजेस। हालेलुया, हालेलुया, आमेन। लाल समुद्र के सामने जो चट्टान, हालेलुया, यरीहो के सामने जो परमेश्वर उनके लिए खड़े हो गया, वही परमेश्वर सनातन की चट्टान है। आपकी चारों ओर, हालेलुया, आपको घेरा हुआ है, वो आपके साथ में है, वो हमेशा का भरोसा है।
कभी ठलने वाला बदलने वाला परमेश्वर नहीं, कल और आज और युगान युग एक जैसा परमेश्वर है। आकाश बदल सकता है, पृथ्वी बदल सकता है, मनुष्य बदल सकता है, सरकार बदल सकता है, मौसम बदल सकता है, हालेलुया सब कुछ बदल सकता है, लेकिन मेरा परमेश्वर कभी नहीं बदलता है। वो कभी नहीं बदलता है, वो सनातन की चट्टान है, मुझे भुलाने वाला सच्चा है, वो कभी नहीं बदलता है। हालेलुया हालेलुया। आज मैं और आप विश्वास करने वाला परमेश्वर, जिसके ऊपर मैंने और आपको आपने भरोसा रखा है, आपकी भरोसा हमारा भरोसा कभी ना टूटेगा। सब लोग बोले मेरा भरोसा कभी नहीं टूटेगा, मेरा भरोसा कभी नहीं टूटेगा। हो दुनिया के लोगों का भरोसा टूट सकता है, हर एक लोगों की भरोसा टूट सकता है, बट दिस इज माय कॉन्फिडेंस, हालेलुया, लेकिन ये मेरा विश्वास है, आत्मविश्वास है। कुछ लोग बोलेंगे ओवर कॉन्फिडेंस, हाँ ओवर कॉन्फिडेंस है, हाँ ओवर कॉन्फिडेंस है कि हमारा भरोसा कभी नहीं टूटेगा। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। आग में होकर जाएगा तो भी, पानी में होकर जाएगा तो भी, जंगल में होकर जाएगा तो भी, ओ हालेलुया रेगिस्तान में होकर जाएगा तो भी, ओ हालेलुया समुद्र में होकर जाएगा तो भी, पद्मोस में होकर जाएगा तो भी, जेल में होकर जाएगा तो भी, हमारा भरोसा कभी नहीं टूटेगा। हालेलुया, क्योंकि ये सनातन का चट्टान यीशु मसीह हमारे साथ में है, युगों का परमेश्वर हमारे साथ है। हालेलुया, युगों का परमेश्वर है, सनातन की चट्टान वो हमारे साथ में है, वो कभी नहीं बदलता है, वो कभी नहीं बदलता है, वो कभी नहीं बदलता है। हालेलुया, यहोवा परमेश्वर ने बोला हे याकूब की संतान मैं नहीं बदलता हूँ, इसलिए आप नाश नहीं हुआ है, आप इसलिए नाश नहीं हुआ क्योंकि मैं नहीं बदलने वाला परमेश्वर हूँ। हालेलुया, ओ कभी ना बदलने वाला परमेश्वर, 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 कभी ना बदलने वाला परमेश्वर। हालेलुया हालेलुया, मेरा चट्टान मेरा चट्टान मेरा चट्टान मेरा चट्टान मेरा चट्टान मेरा चट्टान, हालेलुया, ओ सनातन की चट्टान, हमेशा का भरोसा यीशु मसीह हमारा साथ है। आमेन। ओ सही समय पर हमारे लिए कार्य करता है, पोस्टमैन लेट हो सकता है, पुलिसमैन में लेट हो सकता है, लेकिन हमारा परमेश्वर समय पर हमारे लिए कार्य करता है। कोई भी बदल सकता है, लेकिन हमारा परमेश्वर कभी नहीं बदलता है। आप अपना भरोसा उस परमेश्वर के ऊपर रखना है। हालेलुया, ट्रस्ट नॉट इन रिले, कॉन्फिडेंट नॉट ऑन एक्सोटेशन एंड ऑपरेशन। हालेलुया, 62 का 8 में इस प्रकार लिखा है, trust in, lean on, rely on and have confidence in him at all times, you people pour out your hearts before him. God is a refuge for us, he is a fortress and a high tower. Hallelujah, high tower, I mean sabse uncha gadh hai, sabse bada, hallelujah, chattan hai, hallelujah, gadh hai hamara parmeshwar, isliye har samay parmeshwar ke upar bharosa rakhna hai। सब लोग बोलिए हर समय परमेश्वर के ऊपर भरोसा रखना है। हालेलुया, इन जीसस नेम, इन जीसस नेम, इन जीसस नेम। एक दो वचन और मैं पुराना नियम बदन सिंह दास से पुराना नियम से बोलकर फिर हम नया नियम में आएंगे। हालेलुया, कल रात को प्रभु ने मुझे याद दिलाया हुआ वचन बदन सिंह दास 52 था, 52 का 6, 7, 8 और ना वो वचन मेरे अंदर प्रभु की आत्मा ने मेरे से बात किया। हम पढ़ेंगे सैम्स 52 वर्सेस 6-9 को हम पढ़ेंगे। तब धर्मी लोग इस घटना को देखकर डर जाएंगे और ये कहकर उस पर हंसेंगे, देखो ये वही पुरुष है जिसने परमेश्वर को अपनी शरण नहीं माना परंतु अपने धन की बहुतायत पर भरोसा रखता था और अपने को दुष्टता में दृढ़ करता रहा, परंतु मैं तो परमेश्वर के भवन में हरे जैतून के वृक्ष के समान हूँ, मैंने परमेश्वर की करुणा पर सदा सर्वदा के लिए भरोसा रखा है, मैं तेरा धन्यवाद सर्वदा करता रहूँगा क्योंकि तू ही ने यह काम किया है,
मैं तेरे ही नाम की बाट जोता रहूंगा क्योंकि ये तेरे पवित्र भक्तों के सामने उत्तम है। आमेन, हालेलुया। थोड़ा समय हम उस वचन पर ध्यान लगाएंगे। या से प्रभु की आत्मा हमसे कुछ बात करना चाहते हैं, शांत होकर। साथ में दिखा, देखो ये वही पुरुष है जिसने परमेश्वर को अपने शरण नहीं माना परंतु अपने धन की बहुतायत पर भरोसा रखता था और अपने के दुष्ट अपने को दुष्टता में दृढ़ करता था। लेकिन इंग्लिश में लिखा है कि सी दिस इज द मैन हु मेड नॉट गॉड हिज स्ट्रेंथ बट ट्रस्टेड इन एंड कॉन्फिडेंटली रिलाइड ऑन द अबंडेंस ऑफ हिज रिचेस seeking refuge and security for himself through his wickedness. उस मनुष्य के बारे में कहते हैं जो अपना स्ट्रेंथ, अपना भरोसा, अपना कॉन्फिडेंस, अपने धन की बहुतायत के ऊपर रखा और अपनी सुरक्षा, अपना तरीका से अपना सुरक्षा को ढूंढा, अपना तरीका से अपना सुरक्षा को अपने लिए ढूंढा और उसने सोचा ये मुझे संभालेगा, इससे मैं स्थिर रहूंगा, इससे मैं सुरक्षित रहूंगा। और धन की बहुतायत के ऊपर अपना भरोसा रखा। मैं आपसे बोलूं, पैसा होना पाप नहीं है। पैसा चाहिए, सबको चाहिए, अच्छा पैसा प्रभु दे आपको, परमेश्वर फिनेंशियली प्रभु आपको मल्टीप्लाई कर दे, आपको आशीष दे। मैं भी प्रार्थना करता हूं, सेवकाई करने वाले हमको भी पैसा का जरूरत होता है, चर्च में भी पैसा का जरूरत होता है, आपको भी पैसा का जरूरत होते हैं। हम प्रभु के ऊपर भरोसा करते हैं, गाड़ी चाहिए हमको, घर चाहिए हमको, नौकरी चाहिए, जमीन चाहिए, सब कुछ चाहिए। परमेश्वर आपको बहुत ऐसे दे, परमेश्वर आपको बहुत ऐसे दे, हालेलुया। फिनेंशियल ब्रेक थ्रू हमको चाहिए, फिनेंशियल फ्रीडम हमको चाहिए, उसके लिए परमेश्वर को देना है। परमेश्वर हमें बहुत आशीष देता है ताकि हम परमेश्वर के राज्य के लिए इस्तेमाल हो जाए, परमेश्वर की महिमा के लिए इस्तेमाल हो जाए। आप अपने धन के द्वारा भी परमेश्वर की महिमा दे सकता है। मैं उस साइड में नहीं जाता हूं, लेकिन मैं आपसे सीरियसली एक बात बोलना है, वो यही है, डायरेक्टली और इनडायरेक्टली ध्यान से सुन लीजिएगा। ऐसे समय हमारे जीवन में, दुनिया में आ सकता है, अभी का माहौल से भी खराब माहौल शायद दुनिया में आ सकता है, हमको नहीं पता। लेकिन आपकी भरोसा, आपके पैसे, आपके पास पैसा है, बैंक बैलेंस है, अच्छी बात है, आपके पास नौकरी है, अच्छी बात है, आपके इफ यू हैव इन्वेस्टमेंट्स वेरी गुड, अच्छी बात है। बाइबल ये भी कहते हैं इन्वेस्ट करना भी पाप नहीं है, आप अपने लिए अपने परिवार के इन्वेस्ट करना चाहिए, पैसा बटोर कर संभाल कर रखना चाहिए, नो ऐसे उठाना नहीं है सब कुछ। लेकिन आपका भरोसा, आपका ट्रस्ट कभी भी उस पैसा पर नहीं, अपने इम्यूनिटी के ऊपर नहीं, अपने काबिलियत के ऊपर नहीं, अपने रिश्तों के ऊपर नहीं। मेडिकल साइंस अच्छा काम कर रहा है, वी सल्यूट दम, बहुत ही डेडिकेशन के साथ अपना काम करते हैं, दवाइयों को, वैक्सीनेशन को सब बनाते हैं, बहुत कुछ करते हैं डॉक्टर्स, मेडिकल साइंस अच्छी बात है। लेकिन आपकी भरोसा उस पर भी नहीं,
हाँ कुछ हो गया तो पैरासिटामोल है, कुछ हो गया तो फलाना मेडिसिन है, या फलाना डॉक्टर को जानता हूं, या पहले से सोचकर मत देखना वो अस्पताल है, वो मेडिसिन है, वो डॉक्टर है, वो आदमी है, ये बंदा है, अगर यहां पे कुछ प्रॉब्लम है तो दौड़ कर जाने के लिए वो वाला घर है, अगर ये मुझे धोखा देगा तो मुझे संभालने के लिए वो बंदा है, अगर ये मेडिसिन काम नहीं आए तो वो वाला मेडिसिन को मैं जानता हूं। इस प्रकार की हालेलुया, मेडिसिन के ऊपर हो, मनी के ऊपर हो, मनुष्य के ऊपर हो, प्रॉपर्टी के ऊपर हो, घर के ऊपर हो, किसी भी चीजों के ऊपर आप मन में ऐसे सोचना नहीं है। मेरे अंदर प्रभु की आत्मा कल रात को सिखाए हुए एक बात है, हर समय हर बात के लिए आपका मन में एक बात आना चाहिए, चाहे कुछ भी हो जाए, परमेश्वर है मेरे लिए। हालेलुया, आमेन। मुझे कोई जरूरत आएगा तो ये है, वो है, ऐसा है, वैसा है, वो नहीं, आपके मन में ऐसी बात नहीं, आपके मन में यह आना है, God is there for me. परमेश्वर याहवे, यीशु मसीह है, यीशु मसीह है, यीशु मसीह है, यीशु मसीह है, वो संभालेगा, वो रास्ता खोलेगा, वो जरूरतों को पूरा करेगा, वो चंगा करेगा, वो बचाएगा, वो साथ देगा, वो साथ रहेगा। हालेलुया, यीशु है, यीशु है, यीशु है, यीशु है, यीशु है। 2021 में यीशु है, इस जून महीना में यीशु है, जुलाई आएगा तो यीशु है, अगस्त में यीशु है, प्रभु की आगमन देरी है तो जब तक मैं जीऊंगा तब तक मेरे संग यीशु मसीह है। हालेलुया, मेरे पास रेद होगा, मेरे पास घोड़े होंगे, मेरे पास पैसे होंगे, मेरे पास लोग होंगे, अच्छे अच्छे लोग होंगे, बहुत कुछ लोग होंगे, लेकिन अच्छी बात है, प्रभु ने दिया हुआ रिश्ता होंगे धन्यवाद, प्रभु ने दिया हुआ संपत्ति के लिए धन्यवाद, प्रभु ने दिया हुआ स्वास्थ्य के लिए धन्यवाद, प्रभु ने दिया हुआ बुद्धि और ज्ञान के लिए धन्यवाद, सारे बातों के लिए धन्यवाद, लेकिन प्रभु उन बातों पर मैं भरोसा नहीं रखता हूं, मैं आपके ऊपर भरोसा करता हूं। दैट इज कॉल्ड ट्रस्ट। मेरे पास बहुत कुछ पाते हैं, हालेलुया, एक जरूरत आने पर जाने के लिए, पूछने के लिए, मांगने के लिए, हालेलुया, कई लोगों के पास मैं जा सकता हूं, कई लोग मेरे पास है, परमेश्वर कई 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 बार लोगों के द्वारा काम करता है, अपनों के द्वारा भी, किसी के भी द्वारा प्रभु काम कर सकता है, लेकिन आपकी भरोसा, आपकी भरोसा, आपकी भरोसा, आपकी भरोसा युगों का परमेश्वर, सनातन की चट्टान, उस परमेश्वर के ऊपर होना चाहिए। अगर पूर्ण शांति आपको चाहिए, हर प्रकार की शांति आपको चाहिए, तो उस परमेश्वर के ऊपर पूर्ण तरीके से आपको भरोसा रखना पड़ेगा, हर समय हर बातों के लिए उस परमेश्वर के ऊपर भरोसा रखना पड़ेगा। हालेलुया, 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 हालेलुया। मेरे अंदर कई बातें वैसे बातें आते हैं, जो कोई भी शरीर में कुछ अस्वस्थ होता है, कुछ बीमारी लगता है, कुछ परेशानी ज्यादा लगता है, एक दिन हो गया, दो दिन हो गया, एक हफ्ता हो गया, तीन हफ्ता हो गया, ठीक नहीं होते हैं, तो मन में आता है फलाना डॉक्टर को मैं जानता हूं, फलाना अस्पताल के साथ मेरा परिचय है। हालेलुया, मन में आते हैं, गलत नहीं है, आप डॉक्टर की हेल्प ले लेना, अस्पतालों की हेल्प लेना, मैं उसके खिलाफ नहीं बोल रहा हूं, हालेलुया, लेकिन सबसे पहला आपका भरोसा परमेश्वर होना चाहिए। आपको बोलना है, आपको विश्वास करना, अंगीकार करना है, परमेश्वर आप ही है जो मुझे संभालता है, तू ही है जो मुझे संभालता है। यहां पर कहते हैं The righteous also see it. No. See, this is the man who made not God his strength. Parameshwar ko apna strength. Strength ko hum kya bolenge? Apna bal. Bharosa apna bal. Apna taakat. Who is your strength?
व्हाट इज योर स्ट्रेंथ? हालेलुया। कुछ लोगों बोले माय मेमोरी पावर इज माय स्ट्रेंथ, माय फाइनेंस इज माय स्ट्रेंथ, माय जॉब इज माय स्ट्रेंथ, माय रिलेशंस आर माय स्ट्रेंथ। हालेलुया। अच्छे अच्छे रिश्तों को मैं देखा है, जमीन भी बात आएंगे, पैसा की बात आएंगे, वहां पे रिश्ता नहीं होते हैं। बहुत अच्छे अच्छे प्रेम प्यार को हम देखा है, बड़े बड़े प्यार को हम दुनिया में देखा है। छोटी छोटी बातों में प्यार सब टूट जाता है, छोटी छोटी बातों में भरोसा सब टूट जाता है। अपने बात आता है, अपने स्वार्थता की बात आता है, जमीन की बात आता है, घर की बात आता है, पैसा की बात आता है, अपने की अपने से जुड़ा हुआ बात आता है, उस समय सारे बातें बदल जाता है, सारे लोग बदल जाता है, सारे भरोसा टूट जाता है। हालेलुया, आमेन। लेकिन आज मैं आपसे भूल सकता हूं ही, आपके साथ हिम्मत के साथ अनुभव के साथ भी हमारा परमेश्वर के ऊपर भरोसा रखेगा, आपकी भरोसा कभी नहीं टूटेगा। ओ नीतिमान मार्ग प्रत्याशा की भंग मर गई। हालेलुया। धर्मियों की आशा कभी नहीं टूटता है, धर्मियों की आशा कभी नहीं टूटता है, क्योंकि हमारी आशा हमारे परमेश्वर के ऊपर है। हालेलुया, हालेलुया। कल रात को मैंने सुना हुआ अगला आयत, अगला शब्द ही था, लेकिन मैं बट मी बट आई एम बट मी लेकिन मैं कैसे होंगे, कैसे होंगे? पढ़ो पढ़ो। परंतु मैं तो परमेश्वर के भवन में हाँ हरे जैतून के वृक्ष के समान हूँ। हाँ मैंने परमेश्वर की करुणा पर सदा सर्वदा के लिए भरोसा रखा है। मैंने परमेश्वर की करुणा पर सदा सर्वदा के लिए, सदा के लिए, सर्वदा के लिए, हमेशा के लिए मैंने किसके ऊपर भरोसा रखा है? परमेश्वर के ऊपर भरोसा, परमेश्वर की करुणा के ऊपर सदा सर्वदा के लिए मैंने भरोसा रखा है। हालेलुया। इंग्लिश में लिखा है, बट आई एम लाइक ए ग्रीन ओलिव ट्री इन द हाउस ऑफ गॉड, आई trust in and confidently rely on the loving kindness and the mercy of God forever and ever. सदा सर्वदा के लिए मैं परमेश्वर की करुणा के ऊपर भरोसा रखा है। किस चीज के ऊपर भरोसा रखा है? करुणा के ऊपर, परमेश्वर की करुणा के ऊपर। हालेलुया, आमेन, आमेन, हालेलुया। और आपके बारे में बाइबल कहते हैं आप कैसे होंगे, यू आर गोइंग टू बी लाइक ए ग्रीन ओलिव ट्री इन द हाउस ऑफ गॉड। हालेलुया। आप परमेश्वर के भवन में हरे जैतून के वृक्ष के समान होंगे। आमेन, हालेलुया। आप परमेश्वर की भवन में हरे जैतून की वृक्ष के समान होंगे, जो परमेश्वर के ऊपर भरोसा रखता है। आप परमेश्वर की भवन में, हालेलुया, परमेश्वर की भवन में हरे जैतून की वृक्ष के समान होंगे। हेलो हेलो प्रिय लोगों, इस समय पर अगर आपको हरा भरा रखना है तो पहली बात आप परमेश्वर की भवन में होना चाहिए, आप परमेश्वर की उपस्थिति में होना चाहिए, आप परमेश्वर के भवन के साथ जुड़ा हुआ होना चाहिए। कहीं ना कहीं घूमते फिरते रहने पर, हालेलुया, आप हरा भरा नहीं रह सकता है। यू शुड बी कनेक्टेड, यू शुड बी इन द हाउस ऑफ द लॉर्ड। आप परमेश्वर की भवन में होना चाहिए, परमेश्वर की भवन में होना चाहिए, परमेश्वर की भावन में होना चाहिए, परमेश्वर की भावन में होना चाहिए। हालेलुया, आपको परमेश्वर की भावन में होना चाहिए। सब लोग बोले मुझे परमेश्वर की भवन में होना चाहिए। हालेलुया, मैं परमेश्वर की भवन में हरे जैतून की वृक्ष के समान, परंतु मैं परमेश्वर की भवन में हरे जैतून की वृक्ष के, किसके बारे में बोल रहा है? जो सदा सर्वदा के लिए परमेश्वर के ऊपर भरोसा रखा है, वो हरे जैतून की वृक्ष के समान होंगे। हालेलुया, हालेलुया, आमेन, आमेन। एक और वचन को उसके साथ जोड़कर हम पढ़ेंगे,
Jeremiah 17:7-8. जरमिया का पुस्तक 17 उसके 7 और 8. धन्य है वह पुरुष जो यहोवा पर भरोसा रखता है, जिसने परमेश्वर को अपना आधार माना हो. वह उस वृक्ष के समान होगा जो नदी के किनारे लगा हो और उसकी जड़ जल के पास फैली हो. जब धूप होगी तब उसको ना लगेगी, उसके पत्ते हरे रहेंगे और सूखे वर्ष में भी उनके विषय में कुछ चिंता ना होगी, क्योंकि वह तब भी फलता रहेगा. आमेन. उसके 5 आयत में लिखा है, श्रापित है वो पुरुष जो मनुष्य पर भरोसा करता है और उसकी सहारा लेता है, जिनका मन यहोवा से भड़क जाता है. वो निर्जल देश में अधमरे पेड़ के समान होंगे. दो वृक्षों के बारे में बाइबल सकते हैं, एक अधमरे पेड़ और कभी भलाई को नहीं देखेंगे. वो निर्जल और निर्जल निर्जन निर्जल और निर्जन तथा लोनचाई भूमि पर बसेगा. कौन है? जो मनुष्य के ऊपर भरोसा करता है और यहोवा को अपना भरोसा नहीं माना है, वो व्यक्ति निर्जल और निर्जन तथा लोनचाई भूमि पर बसेगा, अधमरे पेड़ के समान होंगे. लेकिन 7 आयत, धन्य है वो पुरुष जो यहोवा पर भरोसा रखता है, जिसने यहोवा को अपना आधार मान लिया है. उस वचन को मैं इंग्लिश में भी पढ़ने के लिए चाहूंगा. थैंक यू जीसस लॉर्ड, हालेलुया. ब्लेस्ड इज द मैन हु बिलीव्स एंड ट्रस्ट इन एंड रिलाइज ऑन गॉड एंड हुज होप एंड कॉन्फिडेंस द लॉर्ड इज, फॉर ही शाल बी लाइक ए ट्री प्लांटेड बाय द वाटर्स that spreads out its roots by the river, and it shall not see and fear when heat comes, but its leaves shall be green. It shall not be anxious and full of care in the year of drought, nor shall it cease yielding fruit. धन्य है वो पुरुष जो यहोवा पर भरोसा रखता है, जिसने परमेश्वर को अपना आधार माना है. वो उस वृक्ष के समान होगा जो नदी के किनारे लगे हो और उसकी जड़ जल के पास फैली हो. जब धूप होगी तब उसको ना लगेगी, उसके पत्ते हरे रहेंगे और सूखे वर्ष में भी उनके विषय में कुछ चिंता ना होगी, क्योंकि वो तब भी फलता रहेगा. किसके बारे में कहते हैं? जो यहोवा को अपना आधार मान लिया है, जो यहोवा पर भरोसा रखता है, यहोवा को परमेश्वर को अपना आधार मान लिया है, उस व्यक्ति को उस वृक्ष के समान तुलना किया हुआ है जो नदी के किनारे लगा हुआ है और उसकी जड़ नदी के किनारे लगे हुए हैं. हालेलुया. उसकी जड़ जल के पास फैली है और उसके बारे में कहते धूप होगी तब उसको ना लगेगा. हालेलुया. आमेन. धूप आने पर इंग्लिश में लिखा है वो डरेंगे नहीं. Shall not see and fear when heat comes. Shall not see and fear when heat comes. See भी लिखा, राइट? हाँ. धूप लगने पर ये धूप को देखेगा नहीं ये वृक्ष, और धूप से डरेंगे भी नहीं. आमेन. हालेलुया. बहुत कुछ बातें आएगा जाएगा, कुछ बहुत कुछ बातें आप देखेगा भी नहीं. यू विल नॉट सी इवन. धूप आने पर कौन किसको दिखाई नहीं देता है? धूप किसको दिखाई नहीं देता है? हालेलुया. आमेन. लेकिन अगर आप परमेश्वर के ऊपर भरोसा रखने वाला व्यक्ति है, सबके ऊपर पड़ने वाला बात आप देखेगा भी नहीं. जो सब लोग डरते हैं उससे आप डरेंगे नहीं. हालेलुया. हालेलुया. जिससे सब लोग डरता है उससे आप नहीं डरेगा.
जो सबके ऊपर पड़ता है वो आपके ऊपर नहीं पड़ेगा। हो रबा शंधरबा लगा सिखिरी माना अंधल रबे लिबरगस्याज मेरा और प्रभु के ऊपर की भरोसा बढ़ने पाए। ओ आई ट्रस्ट कंप्लीटली हले वो हले माय कंप्लीट कॉन्फिडेंस हले मेरा पूरा भरोसा मेरा प्रभु के ऊपर है। हालेलुया हालेलुया हो रबा शंधरा उस क्रूस के तले देखिए क्रूस के पास देखिएगा हले यूहन्ना उस क्रूस की ओर हले ही वाज लीनिंग टू द क्रॉस वहां पे उस शब्द आपको मिलेगी बस लीनिंग हालेलुया क्रूस की ओर आप वो बैठा हुआ था। आसपास होने वाला बातें यूहन्ना नहीं देखा। 3 घंटा अंधेरा हुआ उसको पता नहीं चला। भूकंप हुआ उसको पता नहीं चला। चट्टान वहां पे फट गया उसको पता नहीं चला। बहुत कुछ बातें वहां पर हुआ यूहन्ना को दिखाई नहीं दिया। यूहन्ना देखा नहीं अंधियारे को यूहन्ना देखा नहीं। वहां पे उस वहां पे जो कुछ भी हलचल चल रहा था यूहन्ना ने देखा नहीं। हालेलुया क्योंकि वो क्रूस के पास बैठा हुआ था। क्रूस के पास बैठा हुआ था। अगर आपकी भरोसा यहोवा है याहवे है सृष्टिकर्ता है सनातन की चट्टान के ऊपर अगर आपने भरोसा रखा है ओ हालेलुया लेट मी प्रोफेसाई मैं इस वचन के आधार पर आपको देखकर भविष्यवाणी कर सकता हूं दुनिया में होने वाला बहुत कुछ बातें आप देखेगा नहीं आपके ऊपर पड़ेगा नहीं आप उससे डरेगा नहीं इन जीसस ने शंधरबे रिगथरबे रिगदमनग सियाम तलरबे रिगथलबलग सियाम तलरबे रिबा एक के पीछे एक वायरस आ सकता है एक के पीछे एक समस्या आ सकता है ओ वन आफ्टर अनदर हालेलुया बहुत कुछ बातें दुनिया में आ सकता है पड़ सकता है लेकिन इफ यू ट्रस्ट इन द लॉर्ड अगर आप परमेश्वर के ऊपर भरोसा करता है इफ यू रिलाय इफ यू लीन टू हिम हालेलुया होली 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 आप उस हरे जैतून की पेड़ के समान यहोवा की भवन में आप बसेंगे आप बढ़ेंगे आप रहेंगे। यू आर इन द हाउस ऑफ गॉड यू आर प्लांटेड इन द प्रेजेंस ऑफ गॉड एंड यू विल ग्रो हालेलुया देयर इज ओनली वन प्लेस वेयर वी कैन ग्रो दैट इज इन द presence of the Lord that is in the house of God where I am planted hallelujah jahan wo parmeshwar ki upasthiti mein parmeshwar ki bhavan mein mujhe lagaya hai main us hare jaitun ke ped ke saman badhte jaunga atta khatta hote jaunga हालेलुया हालेलुया और मैं हरा फरा रहूंगा ओ हरा फरा रहूंगा इन जीसस नेम हालेलुया इन जीसस नेम इन जीसस नेम। धूप होगी तब उसको ना लगेगा उसके पत्ते हरे रहेंगे। हालेलुया हालेलुया उसके पत्ते हरे रहेंगे आमेन। और सूखे वर्ष में भी उसके विषय में कुछ चिंता हाँ सूखे वर्ष आ सकता है। हालेलुया सूखे वर्ष का मतलब है फिनेंशियल क्राइसिस खाने के लिए समस्या अकाल अकाल की समय आ सकता है दुनिया में आ सकता है। हालेलुया आमेन। बाइबल कहते हैं सूखे वर्ष में भी आपके विषय में कोई चिंता आपके विषय में कोई चिंता अरे कुछ तो बोलो ना आपके विषय में कोई चिंता। हालेलुया बाकी सबके लिए सुख के साल है सुख के समय है आपके लिए सूखा नहीं है। हालेलुया 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 सुख के वर्ष में भी उसके विषय में कोई चिंता नहीं होगी। सुख के वर्ष में भी उसके विषय में कोई चिंता नहीं होंगे। मैं बार बार बोलता हूं सुख के वर्ष में भी हाँ हाल ये वचन को आप याद रख लेना
इस सेंटेंस को याद रख लेना, हालेलुया हालेलुया। सुख के वर्ष में भी आपके विषय में कोई चिंता नहीं होंगे, सुख के वर्ष में भी हालेलुया आपके विषय में कोई चिंता, बट इट्स लीफ शाल बी ग्रीन, इट्स लीफ शाल बी ग्रीन, इट शाल नॉट बी एंग्शियस एंड फुल ऑफ केयर हालेलुया इन द ईयर ऑफ ड्राउट हालेलुया आमेन। सुख के वर्ष में इनको इनके लिए पूरा केयर मिलता है और ये चिंता में नहीं रहेंगे, इनके लिए सारे केयर मिलता है। ये केयर कहां से मिलता है? स्वर्ग से केयर मिलता है। हालेलुया आमेन। स्पेशल केयर फ्रॉम हेवन। हालेलुया हालेलुया आमेन आमेन। जंगल में खाना नहीं है, खेती नहीं कर सकता, तो स्वर्ग के खाना मन्ना आपको देंगे, मन्ना देंगे आमेन। खेत में आपके लिए पानी है, खत्म हो गया तो सारा फात में आपके लिए रोटी है, वो भी नहीं मिलता है तो स्वर्ग दूध बनाकर लेकर आएंगे, हालेलुया हेवन का खाना मिलेगा। लॉर्ड आई रिसीव दैट, हालेलुया आमेन। अभी आपका फ्रिज में है इसलिए आप आमेन नहीं बोल रहा है, हालेलुया आमेन। एलिया ने बोला अब बस प्रभु बस बस, हालेलुया। स्वर्गदूत ने आकर उसको जगाकर बोलता है इसको खाओ स्पेशल फूड, यहाँ की मैकडोनाल्ड्स में केएफसी में नहीं मिलता है ऐसा खाना, एक बार खाएगा तो 40 दिन दौड़ेंगे। हालेलुया हालेलुया आमेन। एक बार खाएगा तो 40 दिन आप दौड़ेंगे, हालेलुया, और भी पहाड़ के ऊपर चलेंगे। हालेलुया आमेन। आहाब की रद की आगे आगे आप दौड़ेंगे, यहां की सारे सिस्टम की आगे आगे आप दौड़ेंगे। हालेलुया, जो संभाल कर बैठोर कर सब रखा हुआ ना, हालेलुया, बहुत सारा स्टोर करके रखा हुआ ना, हालेलुया, लेकिन हालेलुया जवान शेर भी भूखा रह सकता है, लेकिन उसकी डर वयों को किसी भली वस्तुओं का गटी नहीं हो सकता है आमेन। अकाल की समय पर भी उसको हालेलुया संभालने वाला परमेश्वर, बहुत तायत से देने वाला परमेश्वर, उस देश में पूरा अकाल पड़ा, पूरा अकाल पड़ा, लेकिन उस साल में इसहाक ने बोया 100 गुना उसको कटनी मिल गया, 100 गुना हार्वेस्ट मिल गया। इसहाक यू आर स्पेशल, बाकी सबके लिए अकाल का समय है लेकिन आपके लिए 100 गुने का समय है। हालेलुया हालेलुया यूसुफ आप स्पेशल है, हालेलुया। अकाल के समय पर आप सबको देने वाला बनेंगे, अकाल के समय पर आप सबको देने वाला बनेंगे, हालेलुया, बिकॉज यू आर स्पेशल इन जीसस नेम, इन जीसस नेम। ओ गॉड इज प्रिपेयरिंग हिज चर्च, हालेलुया, एक हजारों के लिए आशीष का कारण बनने के लिए चर्च इज गोइंग टू गिव, चर्च इज गोइंग टू गिव टू द नेशंस इन जीसस नेम। होली 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 इज योर नेम, होली 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 इज योर नेम। लबदग शतरबलग सियाम तलरबे लेबश पार खलास पाल करेगा सियाम तलरबे। सुख के वर्ष में भी उनके विषय में कुछ चिंता नहीं होगा क्योंकि वो तब भी फलता रहेंगे। सब लोग बोलेंगे हम हर सीजन में फलता रहेंगे, हर सीजन में फलता रहेंगे, जून में भी फलेंगे, जुलाई में भी फलेंगे, अगस्त में भी फल देंगे, सितंबर में भी फल देंगे, अक्टूबर में भी फल देंगे, नवंबर में भी फल देंगे, दिसंबर में भी फल देंगे, 2022 में भी फल देंगे,
2022 में भी फल देंगे। हालेलुया, हर महीना हर दिन हर समय फल देने वाले बनेंगे। हमें कोई फर्क नहीं पड़ता कितना धूप पड़ रहा है, कितना बारिश हो रहा है, कितना आंधी हो रहा है, क्या क्या बाहर हो रहा, कोई फर्क नहीं पड़ता। हमारा भरोसा हमारे परमेश्वर के ऊपर है, हर समय फल देते रहेंगे, हर समय फल देते रहेंगे। हालेलुया, आप सुरक्षित रहेंगे, आपको डरने का जरूरत नहीं, आपको चिंता करने का जरूरत नहीं। आपको संभालने वाला, आपके लिए चिंता करने वाला एक परमेश्वर है। अपना चिंता उस पर ढाल दो, क्योंकि उसको आपके लिए चिंता है, वो आपकी संभालता, आपको संभालता है। यहोवा जायरे, हालेलुया, यहोवा जायरे, हालेलुया। कुछ लोग आप ही सोच रहे हैं, मेरे बेटे का शादी कैसे होंगे, मेरे घर कैसे बसेंगे, हालेलुया, और बच्चों का पढ़ाई कैसे होंगे। आप बोलिए यहोवा जायरे, यहोवा यीरे, बोलिए यहोवा यीरे, यहोवा यीरे, यहोवा यीरे। नौकरी नहीं है, नौकरी नहीं है, कैसे होगा, कैसे होगा, कई महीना से नौकरी नहीं, कैसे होगा, बोलिए यहोवा यीरे। आपकी बचत कम हो गया होगा, आपकी हालेलुया सारे इन्वेस्टमेंट खत्म हो गया होगा, हालेलुया। आप जोर से बोलिए यहोवा यीरे, यहोवा यीरे, यहोवा यीरे। वो मेरे लिए इंतजाम करने वाला परमेश्वर है, स्वर्ग का परमेश्वर मेरा केयर करता है, वो मेरा ध्यान रखता है, उसका मुझ पर ध्यान है, उसका मुझ पर ध्यान है, उसका मुझ पर ध्यान है। हालेलुया, पत्रस की पत्र में लिखा है वो मेरा ध्यान मेरा खैर करता। पहला पत्रस 5:6-7, हालेलुया, जल्दी पढ़ेंगे। शास्त्र बाल खरा रिबाल खरे गसिया, इसलिए परमेश्वर के बलवंत हाथ के नीचे दीनता से रहो, जिससे वह तुम्हें उचित समय पर बढ़ाए। अपनी सारी चिंता उस पर डाल दो, क्योंकि उसको तुम्हारा ध्यान है। ऐसा बोलने वाला दुनिया में एक ही बनता है, एक ही व्यक्ति है, एक ही परमेश्वर है। अपने सारी चिंता, अपने साड़ी की चिंता नहीं, आपकी सारी चिंताएं किसके ऊपर डाल दे, परमेश्वर के ऊपर डालते। हालेलुया, आमेन। वो आपका, उसको तुम्हारा ध्यान। ओ, कोई बोल रहे कोई मेरा ध्यान नहीं देता है, पास्टर मेरा पति मेरा ध्यान नहीं देता है, कोई बच्चे मेरा हमारा ध्यान नहीं देता है। हालेलुया, आज सारे चिंता उस पर डाल दो, क्योंकि उसको तुम्हारा ध्यान है, ही केयर्स फॉर यू। हालेलुया, परमेश्वर को तुम्हारा ध्यान है, लेकिन आपकी सारे चिंता उस पर डालेगा तभी वो आपके ध्यान देगा। अगर आपकी चिंता कहीं और डालता है, आपकी भरोसा यहां पर किसी और के पास है, किसी और चीजों पर भरोसे रखता है, तो परमेश्वर ध्यान नहीं देगा। लेकिन आपके पास कुछ भी ना हो या आपके पास सब कुछ हो, तब भी आपका भरोसा परमेश्वर के ऊपर होना चाहिए। लेट मी रिपीट दैट सेंटेंस, अगर आपके पास कुछ भी ना हो या आपके पास सब कुछ हो, दोनों में आपकी भरोसा परमेश्वर के ऊपर होना चाहिए। हालेलुया, हमारा भरोसा परमेश्वर के ऊपर है। मेरे साथ कोई भी नहीं है तो भी मैं प्रभु के ऊपर भरोसा रखूंगा, मेरे पास सब लोग हैं तो भी मेरा भरोसा मेरा प्रभु के ऊपर है। हालेलुया, मेरा बैंक बैलेंस जीरो है, हालेलुया, तो भी मैं परमेश्वर के ऊपर भरोसे रखूंगा। मेरा बैंक बैलेंस 100 करोड़ है, 500 करोड़ है, तो भी मैं परमेश्वर के ऊपर ही भरोसा रखूंगा। हालेलुया, आमेन, आमेन, हालेलुया, 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 इन जीसस नेम, इन जीसस नेम, इन जीसस नेम, इन जीसस नेम, थैंक यू जीसस। एक और वचन को जल्दी से पढ़ेंगे, वन ऑफ माय फेवरेट साम, साम 37:4-5। यहोवा को अपने सुख का मूल जान, और वह तेरे मनोरथों को पूरा करेगा। अपने मार्ग की चिंता यहोवा पर छोड़, अपने मार्ग की चिंता यहोवा पर छोड़, छोड़, और उस पर भरोसा रख, उसके ऊपर भरोसा रख, वही पूरा करेगा, वही
पूरा करे, क्या पूरा करेगा? आपके मार्ग की चिंता कौन पूरा करेगा? इसलिए आपको भरोसा उसके ऊपर रखना है। वो तेरा धर्म ज्योति के समान, तेरे न्याय दोपहर की उजियाले के समान प्रकट करेंगे। यहोवा के सामने चुपचाप रहो और धीरज से उसकी प्रतीक्षा कर। उस मनुष्य के कारण ना कूद जिसके काम सफल होता है और उस बुरी युक्तियों को निकालता है। क्रोध से परे रहो, जल जलाहट को छोड़ दे, मत कूद, उससे बुरा ही निकलेगा। यह अध्याय, यह पुस्तक, ये 37 मुझे बहुत अच्छा लगता है। उसमें एक वचन ऐसे लिखा है, कई अकाल के समय पर उसको कोई चिंता नहीं आएंगे। हालेलुया, थैंक यू। 19, विपत्ति के समय उनकी आशा ना टूटेगी। हाँ, विपत्ति के समय उनकी आशा ना टूटेगी और ना वे लज्जित होंगे, और अकाल के दिनों में वे, वाह, अकाल के दिनों में वे, सब लोग बोले अकाल के दिनों में वे तृप्त रहेंगे। हालेलुया, हालेलुया। मैं आपसे बोलूं, हमारा वैक्सीनेशन तो प्रभु की वचन है। कुछ होने से पहले प्रभु का वचन को बोल दीजिएगा। ये वचन एक अच्छा वैक्सीनेशन है। यहाँ की वैक्सीनेशन फेल हो जाएगा, लेकिन परमेश्वर की वचन जो अच्छा वैक्सीनेशन है, कभी फेल नहीं हो सकता है। हालेलुया, आमीन। अकाल के दिनों में वे तृप्त रहेंगे। हालेलुया, विपत्ति के समय उसकी आशा नहीं टूटेगा और वे लज्जित नहीं होगा। हालेलुया। इस वचन में कहते हैं, अपने मार्ग की चिंता यहोवा पर छोड़ और उस पर भरोसा रख, वो ही पूरा करेगा। अपने मार्ग की चिंता यहोवा के ऊपर छोड़ दो और उसके ऊपर भरोसा रखो, वो आपकी जरूरतों को पूरा करेगा। आमेन। हालेलुया, हालेलुया। अपना भरोसा यहोवा के ऊपर रखना है। यहोवा को अपना सुख के मूल जानना है। पूरा भरोसा यहोवा के ऊपर रखना है। अपने मुंह से बोलिए, मेरा पूरा भरोसा मेरा प्रभु है, मेरा यीशु मसीह है, मेरा पूरा भरोसा यीशु मसीह है। हालेलुया। अब मैं उस वचन में आता हूं, दूसरे कुरिन्थियों के पत्र पहला अध्याय, उसका 8-11 तक हम पढ़ेंगे। हे भाइयों, हम नहीं चाहते कि तुम हमारे उस क्लेश से अनजान रहो जो आसिया में हम पर पड़ा। हम ऐसी भारी बोझ से दब गए थे जो हमारी सामर्थ्य से बाहर था, यहाँ तक कि हम जीवन से भी हाथ धो बैठे थे। वरन हमने अपने मन में समझ लिया था कि हम पर मृत्यु की आज्ञा हो चुकी है, ताकि हम अपना भरोसा ना रखें, वरन परमेश्वर का जो मरे हुओं को जिलाता है, उसी ने हमें मृत्यु के ऐसे बड़े संकट से बचाया और बचाएगा। और उस पर हमारी यह आशा है कि वह आगे को भी बचाता रहेगा। आमेन। ऐसे समय आ गया कि हम अपना भरोसा ना रखें। ऐसे समय जीवन में आ गया, पौलुस कहते हैं, हम अपने ऊपर किसी भी तरीके से भरोसा नहीं कर सकता था। हम परमेश्वर के ऊपर भरोसा रखा जो मरे हुओं को जिलाता है, उस परमेश्वर के ऊपर भरोसा रखा। और हमें मृत्यु की ऐसे बड़े संकट से परमेश्वर ने बचाया और बचाएंगे। आमेन। सब लोग बोले, परमेश्वर ने बचाया और बचाएंगे, और उस पर हमारी ये आशा है वो आगे को भी बचाता रहेंगे। हमारे ये भरोसा है, हमारा ये आशा है, अब तक प्रभु ने बचाया, आगे भी वो बचाता रहेंगे। मुझे पूरा विश्वास है, पूरा भरोसा है, पूरा आशा है, मेरा यीशु मुझे बचाएगा, आगे भी बचाता रहेंगे।
कौन बोल सकता है कि अब तक प्रभु ने बचाया है? क्या आप अपने ताकत से खड़े थे? हालेलुया, पूरा 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 धन्यवाद के साथ बोलिए, इतना बड़ा मृत्यु से संकट से मेरा प्रभु ने, यीशु मसीह ने मुझे बचाया है, और मुझे पूरा विश्वास है, पूरा आशा है आगे भी वो बचाता रहेंगे, पूरा भरोसा है आगे भी बचाता रहेंगे, पूरा भरोसा है आगे भी बचाता रहेंगे। हालेलुया, 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 बोलिए पूरा भरोसा है, पूरा आशा है आगे भी बचाता रहेंगे। आमेन, हालेलुया। पौलुस जैसे एक व्यक्ति ये सब बातें बोलना है तो कितना बड़ा संकट में वो पड़ गया होगा, कितना बड़ा संकट में वो पड़ गया होगा कि पौलुस को समझ में आ गया अभी हम अपना बल के द्वारा, ताकत के द्वारा बच नहीं सकता है, बिल्कुल भरोसा नहीं रख सकता। वहां पर मृत्यु से बचाने वाला, मरे हुओं में से जिलाने वाला परमेश्वर के ऊपर भरोसा रखा। हालेलुया। एक और वचन को जल्दी से उससे जुड़ा हुआ हम पढ़ेंगे, फिर हम प्रार्थना करेंगे। निधि वचन तीसरा अध्याय, उसका पांच से लेकर हम पढ़ेंगे। निधि वचन तीसरा अध्याय पांच से लेकर हम पढ़ेंगे। तू अपनी समझ का सहारा ना लेना, तू अपना समझ की सहारा नहीं लेना, वरन संपूर्ण मन से यहोवा पर भरोसा रखना। संपूर्ण मन से यहोवा पर भरोसा रखना, यहोवा पर भरोसा रखना। उसी को स्मरण करके सब काम करना। तब वो तेरे लिए सीधा मार्ग निकालेगा, अपनी दृष्टि में बुद्धिमान ना होना, यहोवा का भय मानना, और बुराई से अलग रहना, ऐसे करने से तेरा शरीर भला चंगा, तेरी हड्डियां पुष्ट रहेंगे। अपनी संपत्ति के द्वारा और अपनी भूमि की सारी पहली उपज दे देकर यहोवा की प्रतिष्ठा करना। इस प्रकार तेरे खत्ते भरे पूरे रहेंगे और तेरे रस कुंडों में नया दाक मधु उमड़ता रहेगा। हे मेरे पुत्र, बस, हालेलुया। तू अपनी समझ का सहारा नहीं लेना, वरन संपूर्ण मन से यहोवा पर भरोसा। पास में कोई व्यक्ति आपके पास बैठा हुए तो उसको उंगली उठाकर ऐसे बोलो, तू छोड़ दो, आप बोलिएगा थोड़ा सा आदर करके, आप अपनी समझ की सहारा नहीं लेना। हंसते हुए नहीं बोलना, थोड़ा गुस्सा से बोलना है। आप अपनी समझ की सहारा नहीं लेना। हालेलुया। वरन संपूर्ण मन से यहोवा पर, संपूर्ण मन से किसके ऊपर भरोसा रखना? मेरे पास कोई हो तो मैं हिला हिलाकर एक थप्पड़ देकर बोलना है, थप्पड़ नहीं मारना किसी को, ठीक है? मैं ऐसे बोल रहा हूं, मेरा शैली से बोल रहा हूं, थोड़ा सा हिलाकर बोलना है। अपना बुद्धि में, अपना दृष्टि में बुद्धिमान नहीं हो रहा। अपने आपको तुम स्मार्ट लगता है ना, अपना नजर में आपको बड़ा, मैं बड़ा स्मार्ट हूं, बड़ा बुद्धिमान हूं लगता है ना। हालेलुया। बाइबल क्या बोलता है? तू अपनी समझ की सहारा नहीं लेना। हालेलुया। अपनी दृष्टि में बुद्धिमान, अपना दृष्टि में बुद्धिमान नहीं होना। यहोवा का भय मानना, संपूर्ण मन से यहोवा पर भरोसा रखना, उसी को स्मरण करके सब काम करना। पास वाले व्यक्ति के बोलो, जो भी काम करते उसी को स्मरण रखे करना है।
सब काम उसी को स्मरण करते करना है, उसी को स्मरण करते हुए सारे काम करना है। मतलब सारे काम पर किसके ऊपर भरोसा रखना है? यहोवा पर भरोसा रखते हुए सारे काम करना, तब वो आपके लिए सीधा मार्ग को खोलेगा। हालेलुया। इसलिए वचन संहिता 37 में भी लिखा, संपूर्ण मन से यहोवा, तो हालेलुया, अपने सारे मार्ग की चिंता यहोवा पर छोड़ दो, उसके ऊपर भरोसा रखो। अपना दृष्टि में बुद्धिमान मत लगना, मैं कुछ हूं, मेरा शक्ति से खड़ा हूं, मैं सैनिटाइजर 1 बार 10 बार लगाता हूं इसलिए मैं ठीक ठाक हूं, मत समझना। मेरा मास्क में 7 लेयर है। हालेलुया। हालेलुया। आप मास्क लगाना है, सैनिटाइजर ये सब कुछ करना, मैं भी करता हूं, आपसे ज्यादा करता हूं मैं। हालेलुया। लेकिन हमारा भरोसा हमारा परमेश्वर के ऊपर है, हमारा भरोसा हमारा परमेश्वर के ऊपर है, हमारा भरोसा हमारा, हम अपना दृष्टि में बुद्धिमान नहीं लगना है। हालेलुया। अपने समझ की सहारा में नहीं चलना है, आपका कुछ भी काम नहीं आएगा। हम परमेश्वर की करुणा के ऊपर भरोसा करते हैं, हम परमेश्वर की करुणा के ऊपर भरोसा करते हैं। 29 का 25 भी पढ़कर हम प्रार्थना करेंगे। प्रोवर्ब्स 29:25, नीति वचन 29:25। मनुष्य का भय खाना फंदा हो जाता है। मनुष्य का भय खाना फंदा हो जाता है। फंदा हो जाता है। परंतु जो यहोवा पर भरोसा रखता है, यहोवा पर भरोसा रखता है, उसका स्थान ऊंचा किया जाएगा। उसका स्थान ऊंचा किया जाएगा। उसका स्थान ऊंचा किया जाएगा। हालेलुया। मनुष्य को आदर करना है, प्रेम करना है, आमेन। लेकिन द फियर ऑफ मैन ब्रिंग्स ए स्नेर। मनुष्य का भय क्या है? एक फंदा है, जाल है, फंदा है। हालेलुया। बट हू एवर लीन्स ऑन ट्रस्ट इन एंड पुट्स हिज कॉन्फिडेंस इन द लॉर्ड। जो लोग लीन का शब्द फिर भी मैं इधर आ जाए, नहीं वरना बोली नहीं। हालेलुया। मान लो कि ये इसके ऊपर मैं भरोसा करता हूं, ठीक है। तो लीन का मतलब है मुझे कुछ भी होता है तो मैं पूरा हिम्मत के साथ खड़ा हो सकूं, मुझे विश्वास है ये मुझे संभालेगा। आई लीन विदाउट एनी टेंशन, आई लीन, आई हैव कॉन्फिडेंस दैट ही विल प्रोटेक्ट मी, वो मुझे संभालेगा। जब भी मुझे कोई प्रॉब्लम होता है मेरा शक्ति चले गया, मेरा सारे क्या बोल सकते हैं, मेरा सारा बेल चले गया, तो हिम्मत के साथ आई कैन लीन, मैं पूरा प्रभु के ऊपर भरोसा कर सकता हूं और मुझे पूरा भरोसा है ये मुझे संभालेगा। हालेलुया। ये मुझे गिरने नहीं देगा। हालेलुया। ये मुझे गिरने नाश होने नहीं देगा, मेरा परमेश्वर मुझे संभालेगा। टू हूम आई कैन लीन। हालेलुया। टू हूम आई कैन लीन कॉन्फिडेंटली, पूरा आत्मविश्वास के साथ। हालेलुया। मैं उसके ऊपर भरोसा कर सकता हूं, मुझे पता है वो मुझे संभालेगा। आमेन। हालेलुया। 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 आमेन। हालेलुया। जो परमेश्वर के ऊपर भरोसा करता है वो क्या रहेंगे? वो सेफ रहेंगे। दे विल बी सेफ एंड सेट ऑन हाई। वो सेफ रहेंगे, वो सुरक्षित रहेंगे और ऊंचे स्थान में प्रभु उसको रखेगा। सुरक्षित रहेंगे और कहां रहेंगे? ऊंचे स्थानों में रहेंगे। हालेलुया। हालेलुया। मैं मेरा परमेश्वर के ऊपर पूरा भरोसा रखता हूं। फिर से मैं बोलूं,
परमेश्वर आपको बहुत सारा पैसा दे, मेरा प्रार्थना है। अच्छे अच्छे रिश्ता होंगे परमेश्वर आपको दे, हालेलुया। अच्छे अच्छे दोस्त परमेश्वर आपको दे, हालेलुया। अच्छे परिवार प्रभु आपको दे, अच्छे पड़ोसी प्रभु आपको दे, अच्छे दोस्त प्रभु आपको दे, अच्छे भाई बहन प्रभु आपको दे, अच्छे माँ बाप आपको मिले, हालेलुया। अच्छे बच्चे आपको मिल जाए, अच्छे संपत्ति आपके पास हो, अच्छा घर, अच्छा गाड़ी, हालेलुया, और आपके पास रहे, अच्छा बैंक बैलेंस आपके पास रहे, आपका अगला 2-3 पीढ़ी के लिए, हालेलुया, संभाल कर रखने के लिए प्रभु आपको बहुत कुछ दे, प्रभु आपको सारे भलाई से तृप्त करे। लेकिन तब भी आप बोलना है, हालेलुया, मैं परमेश्वर के ऊपर भरोसा करता हूं। आई ट्रस्ट ऑन माई गॉड, माई कॉन्फिडेंस, हालेलुया, मेरा पूरा भरोसा मेरा परमेश्वर के ऊपर है। उल्टा आपके पास अच्छा घर नहीं है, आपके पास अच्छा गाड़ी नहीं है, आपके पास बैंक बैलेंस नहीं है, आपके पास अच्छे लोग नहीं है, अच्छे रिश्तेदार नहीं है, अच्छा दोस्त नहीं है, कोई बात नहीं, उस समय भी मेरा भरोसा मेरा परमेश्वर के ऊपर है। He is the rock of ages. वो सनातन का चट्टान है। He is the rock of ages. I will trust him forever and ever. I will trust him forever and ever.